जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल आज थोड़े वास्ते एक नवी चर्चा एक नवी तंद एक नवी तानी किते सुलझी ते किते उलझी ते किते की होया ते किते की ना होया। कहिंदे जिहड़े जगदे दीवे हुंदे आ रोशनी उहनां दी हुंदी है ते जिहड़े बुझे दीवे हुंदे आ जदों उहनां नूं जगाउण दी कोशिश कीती जांदी है तां बुझे दीव्यां दी वी कदर पै जांदी है जदों उह रोशनी पकड़ के अगे तुर पैंदे ने प्रकाश दिंदे ने संचालन करदे ने। आ देखो आ रुखां दी जिरांद गुरबाणी विच आंदा ते गुरबाणी विच गुरु साहब ने बनस्पति दे उत्ते प्रकृति दे उत्ते सारी गल कीती है ते प्रकृति दे नियम जे कोई तोड़दा है भावें वह कोई भी होवे तां वह प्रकृति जिहड़ी है उहदे लई फिर एक ऐसा तूफान ते जलजला खड़ा कर दिंदी है कि फिर बंदे कहिंदे ने भी असीं तां एवें प्रकृति नाल पंगे लैंदे रहे सानूं तां पंगे लैण दी जरूरत ही नहीं सी और ये पंगियां दे विच्चों साढ़े लिए की निकलिया। तो फिर जदों उन्हां नूं पछतावा हुंदा है उस पछतावे दर पछतावे जदों परतां उखड़दियां तो फिर मैं जिहड़ी है वह परतां दी गल की करां किवें करां एक छोटा जिहा अंश लै के इत्थों ही एक गल करन लगे हाँ। तो लो असीं एक गल करदे हाँ अज साडे नाल भैण जी ने। सत श्री अकाल भैण जी। सत श्री अकाल जी। अज दा साडा विशा हैगा कि कई लड़कियां जिहड़ियां हैगियां ने कई बच्चे लड़का और लड़की दोनों ही भज के विआह करवा लैंदे या एक दूजे दे नाल भज के लिविंग रिलेशनशिप दे विच रहना शुरू कर दिंदे। जे देखिया जावे तो किसी ने इस चीज़ के नतीजों बारे नहीं सोचा। एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे का विआह करते हैं तो वह परिवार को देखते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखा जाता हैगा, बच्चे दे संस्कार देखे जाते हैं, बच्चे दी लड़के दी खास करके बिजनेस या जड़ी उहदी जॉब हैगी आ उहनू देखा जाता हैगा। सारिया चीज़ों देखते हुए समाज दे विच उहनां दी जड़ी जगह हैगी आ उस चीज़ नू देखते हुए माँ बाप रिश्ता तय करते हैं। पर जदों बच्चे एक दूसरे नू देख के एक दूसरे नू पसंद करके अपनी मर्जी दे नाल विआह करवा लैंदे ने उहदे विच उह ना ते समाज दे विच एक दूसरे की जगह नू देखदे ने, ना वो बिजनेस के बारे च जानदियां ने लड़कियां, ना ही परिवार के बारे च जानदियां ने, पर एक दूसरे नाल भज के विआह करवा लैंदे। विआह तो बाद दो गल्लां हुंदियां ने, या तो पेरेंट्स एक्सैप्ट कर लैंदे ने ते कई वारी नहीं करदे। जे पेरेंट्स एक्सैप्ट कर लैंदे ने लड़के नू, लड़के दे पेरेंट्स लड़की नू एक्सैप्ट कर लैंदे ने ते उहदे विच की हुंदा उहदे घर विच उहदी उह जगह नहीं बनदी क्योंकि वह भज के आई हुंदी। अपने माँ प्यो की मर्जी तो बिना उन्हें लड़के दे नाल विआह करवाया हुंदा जिहदे करके जिहड़ा हैगा उहदी परिवार दे विच उह इज्जत उह जगह नहीं बनदी। हर वेले उहनूं इही लगदा रहिंदा हैगा कि मैं किसी दे घर दे विच रह रही हाँ, एक बंदिश दे विच रह रही हाँ, ना तो सस उहनूं प्यार दे पाउंदी है, ना ननान, ना देवर, ना उहदे फादर साहब, तो लड़का भी बेचारा इन्हां चीज़ां दे विच रह जांदा। पर कई बार की होंगे पेरेंट्स एक्सैप्ट ही नहीं करते हैं इस चीज़ को कि जी तुम भज के विआह किया तो हूँ तुम अपनी जिंदगी आप जियो। वो की होंगे हैगा कि जी फाइनैंशियल प्रॉब्लम आदि ने, लड़के की इनकम पहले देखा नहीं होंगे, घर चलाना नहीं आता होंगे बच्चों। कई बार की होंगे हैगा जी उन्होंने ना तो परिवार के ना समाज के ना ही उन्होंने आने वाली औलाद के कोल उन्हां नूं वो जगह नहीं मिलती जो एक रिश्ते नूं मिलनी चाहिए होंगी। नतीजा की होंदा हैगा कई बारी लड़कियां भज के विआह करवा लैंदियां ने, वो देखदियां ही नहीं है कि बंदा किदां है, सिर्फ उपरले एक जिहनूं कहिंदे हुंदे एक खोल नूं देख लिया, मुंडे दे सुहप्पन नूं देख लिया ते विआह करवा लिया। सोचण दी गल इत्थे इह हुंदी है जिहड़ी लड़की नूं माँ बाप ने जन्म दिता, पालिया, पलोसिया, एडा वड्डा किया, परवान चढ़ाया, जब वो लड़की ने अपने माँ प्यो बारे नहीं सोचा तो वह जो मुंडा उन्हें छे महीने साल वो तो दो साल तो मिलया वो बारे की सोची। जे भज के विआह करवा लेंदे ने तो कई बार की होंगे लड़कियां वेच दिता जाता, लड़कियां समाज में वो जगह नहीं मिलती, उन्होंने बच्चों वो जगह नहीं मिलती जो एक बच्चों कई बार की होंगे भज तो लेंदे ने पर विआह ही नहीं करवाते, लिविंग रिलेशनशिप चले जाते, उस रिश्ते का तो वैसे ही कुछ नहीं रह जाता है साडे समाज के जिहड़ी लड़की हैगी है उन्हें यह सोचना चाहिए हुंदा कि मैं दो कुलां दी इज्जत का ध्यान रखना, मैं अपने पेरेंट्स का तो जिथे सोचना सोचना आने वाली औलाद बारे भी सोचना है,
जे अज तुसी भज के विआह करा लिया जब अज तुसी अपने माँ बाप के सगे नहीं होए तुसी किदां सोचदे हो कि कल नूं तुहाडे बच्चे तुहाडे सगे होंगे वो तुहाडी केयर करनगे या वो तुहाडे तों पुछ के अपनी जिंदगी के फैसले लैणगे। सो ये फैसला जिहड़ा भज के विआह वाला हुंदा ना ये कोई एक दिन का फैसला नहीं हुंदा, इहदा नतीजा सानू सारी जिंदगी भुगतना पैंदा। समाज सानू वो जगह नहीं दिंदा, समाज सानू वो इज्जत नहीं दिंदा हैगा। क्यों? क्योंकि तुहाडे रिश्ते दे विच इक्को जिहड़ी पकड़ जिहड़ी पेरेंट्स दी रजामंदी दे नाल बनती हैगी है वो हुंदी नहीं। की हुंदा हैगा जे लड़की मान लो वस भी जाती है उहनूं अपने परिवार नूं बनाउण दे लई चलाउण दे लई, यानी जे वह प्रैगनेंट हुंदी है तो उहनूं किसी लेडी की जरूरत हुंदी है। तो कई बार पेरेंट्स दोनों पासे दे पेरेंट्स ना लड़के दे ते ना लड़की दे उहनां नूं सपोर्ट ही नहीं करते तो फिर बेचारी कल्ली हुंदी। उन्हों ये नहीं समझ होंगी कि मैं बच्चे नूं किद्दां पालना पलोसना है, मैं किस तरह अपने घर नूं मैनेज करना हैगा। तो कई बार की होंदा कि लड़कियां अपनी जिस तरह कह लो कि अपनी कास्ट नूं छड्ड के अपने एक जिस सोसाइटी दे विचों उठदियां बैठदियां ने, मान लो अपर क्लास की लड़की है लोअर क्लास का लड़का पसंद आ गया उहदे नाल विआह करा लैंदी हैगी है तो उन्हों उत्थे एडजस्टमेंट ही औखी हो जाती, क्योंकि जिस लड़की नूं अपने घर दे विच सब कुछ मिलिया हुंदा अगों जाके उन्हों नहीं मिलता तो वह फिर लाइफ की एक किच 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 चलती रहती। उन्होंने दोनों मियाँ बीबी की जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ा प्यार हुंदा ना वह दो चार महीने दे विच उड़ जाता है तो फिर जो रियल लाइफ का सामना करना पैंदा हैगा तो दोनों जने उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते, जिहदा ज़्यादातर नतीजा की हुंदा कि एक दूजे नूं छड्ड दिंदे ने, डिवोर्स हो जाते हैं। डिवोर्स तो बाद लड़का तो अपने पेरेंट्स को वापस चला जाता है तो पेरेंट्स उन्हों ज़्यादातर अपने को रख भी लेते हैं, बट लड़की के पेरेंट्स कई बार उन्होंने सपोर्ट नहीं करते, समाज भी उन्हों सपोर्ट नहीं करता। जो उन्होंने कोई बच्चा होवे तो उन्हों भी वो लीगली सपोर्ट नहीं मिलती जो उन्हों एक विआह के बाद जो बच्चे मिलती है, वो इस तरह भज के विआह कराए हुए बच्चे वो सपोर्ट नहीं मिलती। संसार दुनिया उस चीज़ नूं इलीगल करती है, बच्चे नूं हरामी वर्ड तक नाल यूज़ किया जाता उहदे वास्ते। लड़की नूं समाज दे विच विचरना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर बंदा उस चीज़ नूं उस लड़की नूं गंदी नज़र दे नाल देखता है, क्योंकि जिहड़ी एक नाल भज सकती है वह दूजे नाल भी भज सकती है। इस करके हर बच्चे नूं इस चीज़ नूं सोचना चाहिए कि जी साडे पेरेंट्स ने सानू इत्थों तक पहुँचाया तो वह कल नूं साडे लई साडा अच्छा ही सोचणगे। अगर तुहानू जिंदगी दे विच मान लो कोई पसंद आता है लड़की नूं या लड़के नूं तो तुसी अपने पेरेंट्स की रजामंदी लो, उन्हां तों सलाह लो, वो तुहाडा अच्छा ही सोचणगे, क्योंकि वो परिवार खानदान बिजनेस हर चीज़ नूं देखणगे, हर चीज़ नूं देखदे होए तुहाडा रिश्ता तय करणगे। ठीक है, इसलिए सानू चाहिदा हुंदा कि जी समाज दे विच इकट्ठे रहना, इकट्ठे परिवारां दा होना, सांझ होनी रिश्तियां दे विच बहुत जरूरी है। सो प्लीज़ सारे जने मिल के एक अच्छे समाज की जे सिरजना करना चाहते हो तुसी सारे, तो विआह दे रिश्ते नूं अहमियत दो। लिव इन रिलेशनशिप भज के विआह कराना इस समाज नूं साडे आने वाले बच्चों खराब करते पए ने, साडी पीढ़ी नूं। इस करके प्लीज़ सारे जने इकट्ठे रहो, प्यार नाल रहो ते खुश रहो। देखो एक चीज़ है, माँ प्यो का जिहड़ा तजर्बा है बच्चे उस तजर्बे नूं इगनोर कर देंदे ने, वह जदों तजर्बा इगनोर हो जाता तो वह एक इस तरह की जिंदगी शुरू कर देंदे हैं जिन्हों असी रैश एंड नैगलीजेंट ड्राइविंग कही है, और जिहड़ी कार की रैश एंड नैगलीजेंट ड्राइविंग होंदी है वह एक्सीडेंट जरूर करती है, ये बारे तुसीं की कहोगे? देखो माँ बाप का अपना जिहड़ा तजर्बा हुंदा वो बच्चे लिए अच्छा ही सोचते हैं। जदों कोई भी चीज़ हैगी है जदों असी उहदे च बिना सोचे समझे जिंदगी का कोई भी फैसला लैने हैगे जिहदे विच साडे वड्डियां दी रजा शामिल नहीं होंदी, जिन्हां नूं असी कहिंदे माँ बाप रब रूप हुंदे ने, जदों उहनां दी रजामंदी शामिल नहीं हुंदी तो पहले ही यह चीज़ सोच लैनी चाहिए हुंदी है कि यह रिश्ते दे विच पहले ही एक खटास ते आएगी, क्योंकि पेरेंट्स ने इस रिश्ते नूं सपोर्ट नहीं किया। तुसीं किदां सोचदे हो कि समाज सपोर्ट करेगा?
एक्सीडेंट तो लाजमी हैगा क्योंकि जो तुसी एक भज के विआह किया रैश ड्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो फिर तुसी ये नहीं सोच सकते है कि अगों जाके लाइफ स्मूद हो जाएगी। स्मूदनैस उहदे विच कदी नहीं आउंदी। देखो एक चीज़ होर है, कई बारी विआह तो छेती बाद बच्चे फैमिली वे वल तुर पैंदे ने ते फैमिली वे कंप्लीट होने तो पहले ही उन्हों का ब्रेकडाउन हो जाता है ते वो इस तरह के हालात हो जाते हैं, कितने अबॉर्शन करानी पै जाती है या कितने डिलीवरी देनी पै जाती है। उस हालात के आ रही जी जनरेशन है वह की फ्यूचर है? देखो जे अबॉर्शन कराती है लड़की तो सब तो पहले अपने अपने आप को फिजिकली हर्ट करती है। असी एक बच्चे असी एक प्यार दे रूप एक बच्चे एक पैदा किया पनपया एक पौधा साढ़े अंदर पनपया तो उन्होंने असी डिस्ट्रॉय कर दिता। यह चीज़ कुदरत दे लई भी समाज दे लई भी ते लड़की दे अपने जे देखा जाए सेहत पक्षों उहदे लई नुकसानदेह हैगी है। फिर उस तो बाद जो बच्चे जन्म दे लैंदी हैगी है तो उहदे लई उस बच्चे समाज में जगह दवाना सब तो मुश्किल काम हुंदा है। जे दूजा विआह करन वाले पासे जांदी हैगी है तो तद भी उस बच्चे इज्जत नहीं मिलती क्योंकि हर बंदा यह सोचता पता नहीं इन्होंने विआह किया भी सी कि नहीं। जे विआह किया सी ते पेरेंट्स की मर्जी के बिना क्यों किया, भज के विआह कराया। जे खास करके लड़की तो लड़की पैदा हो जाती है तो उन्होंने छेती किते कल अच्छे परिवार के जगह मिलना सब तो मुश्किल होंगे क्योंकि उत्थे सब तो पहली चीज़ यह आती है कि यदि माँ ने भज के विआह कराया। इस करके सानू जिहड़ा हैगा इस चीज़ नूं जिहड़े डिवोर्स हो जाते हैं उस तो बाद भी जिंदगी स्मूद नहीं होंदी, जिंदगी होर मुश्किल हो जाती है। सो अपनी आने वाली पीढ़ी बारे सोचो कि असी अपने बच्चों को एक अच्छा समाज एक अच्छा रिश्ता देना हैगा ते रिश्तियां दी सांझ नू पकड़ नू मजबूत बनाओ, ना कि यह वै भज के विआह कराया चार दिन साड़ी एक दूजे नाल नहीं बनी ते असी एक दूजे नू छड़ दिता। पुराने जमाने च इस चीज़ नू कहिंदे हुंदे सी लड़की दाग लवा के आ गई। मैं नहीं कहिंदी पर ठीक है, तुसी जिंदगी दे विच इस चीज़ नू ते सोचो कि जो असी अपने माँ बाप दे सके नहीं होए तो वह दो महीने दे या चार महीने दे या छे महीने जे लड़का सही है तुहाडे नाल कदी भज के विआह नहीं करेगा, तुहाडे पेरेंट्स की रजामंदी दे नाल तुहाडे नाल विआह करेगा। अपने पेरेंट्स नू मनाओ। मैं इदां दे भी कई बंदे देखे हुए ने जिन्हां ने 10-10 साल अपने पेरेंट्स नू मनाउण दे लई वेट कीती ते फिर उन्हां दा रिश्ता बहुत सोहणा चलिया है। देखो एक चीज़ मैं याद आई है, पाकिस्तान की शायरा शहीन नाजली जिन्हें एक सत्रां लिखिया सी, रातां दे कलापे डंगन ताने मारन मेने दिल दी सुती पीड़ जगावन आके तेरियां यादां, सोल हयाती रुड़ ना जावे विच गमां दियां रातां, कौन कहे हुण नैना नूं तुसीं बंद करो बरसातां। ये बरसातां जिहड़ियां खुशी दियाँ होनिया चाहिए या गमी दियाँ होनिया चाहिए, ये दो लाइना ये देते प्लीज़। देखो ये चीज़ा खुशी दियाँ होनिया चाहिए। पुराने जमाने दे विच ना मावां इस ढंग नूं पंजाबी माँ इस ढंग नाल भी कहिंदी हुंदी सी बेटा शीशा साफ रखना चाहिए, तो लड़की पुछदी हुंदी सी माँ तू किस शीशे की गल कर, वो शीशा करैक्टर का हुंदा सी। साडे समाज नूं अच्छे चरित्र की सब तो ज़्यादा जरूरत है। जे असी नहीं चाहते कि जिंदगी दियां रातां कल्लियां कट्टीए असी रो के कट्टीए ते माँ प्यो दे साथ दे नाल अपने रिश्ते नूं बनाओ ताकि एक मजबूत रिश्ता एक अच्छा समाज एक आन वाले बच्चे नूं अच्छा परिवार मिल सके जी। ये सन कुछ गल्लां तुहाडे नाल कर दित्तियां, तियां दे विचरन दियां गल्लां कर दित्तियां, समाज दे विच तियां गलत पासे ना जाण उहदी गल कर दित्ती है। मेरी इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब कर देना, हौसला अफजाई कर देना, लाइक करके वध तों वध शेयर भी कर देना ते अगों सबसक्राइब भी करा देना मेरे चैनल नूं। तुहाडा फीडबैक मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल हुंदा है। गल्लां अज इन्नियां कोई करते हैं ते भैन जी तों आग्या लैंदे हां। सति श्री अकाल भैन जी। सति श्री अकाल। ते इत्थे ही छुट्टियां तुहाडे तों वी लैंदे हां।